वॉइस ऑफ एमपी की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ अली। जानते हैं आज की बड़ी खबर है। नीमच में हर साल की तरह इस साल भी एक मुस्लिम परिवार हिंदू लोगों के लिए दशहरे को खास बनाने की तैयारी में लगा है। नीमच के इंद्रानगर निवासी हुसैन परिवार पिछले 50 सालों से यूं ये काम करता चला आ रहा है। इस परिवार के करीब 25 लोग इस काम में लगे हैं, लेकिन इस बार GST के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और खर्चा भी ज़्यादा आ रहा है। हर चीज़ में महंगाई है, बांस से लेके कागज रस्सी वगैरह सब में। मतलब ये है कि 12% की कुछ आइटम है, कुछ 18% की आइटम है, इसको लेके कुछ ज़्यादा महंगाई हुई इस बार। और अधिकतर जो जिस रेट से बनाते हैं उस रेट से कम 15-20 हज़ार रुपये का फर्क पड़ा हुआ। पिछले साल की तुलना में बता रहा हूँ मैं, 20-25 हज़ार रुपये का डिफरेंस है इसमें। मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी थाना परिसर में आज थाना प्रभारी सिंगार की मौजूदगी में आर्म्स एम्यूनेशन बलवा ड्रिल सामग्री की सफाई की गई, जिसके बाद रिहर्सल की गई। इस मौके पर थाने के सभी अधिकारी व पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मुहर्रम और नवरात्रि दशहरा के त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए बलवा ड्रिल सामग्रियों सभी हथियारों को बाहर निकाल कर रिहर्सल की, साथ में उनकी साफ सफाई की। मनासा पुलिस द्वारा आज नदी व पर्यावरण संरक्षण को लेकर शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर मनासा SDOP रविंद्र बोएट, मनासा थाना प्रभारी सहित पुलिसकर्मी, मनासा के जनप्रतिनिधि व आमजन मौजूद रहे। नीमच के शिशु गृह के अनाथ 2.5 वर्षीय बबली से विदेशी माँ बाप मिलने जा रहे हैं। बबली के लिए पिछले करीब 2 वर्षों से माँ बाप की तलाश की जा रही थी, लेकिन उसके एक पैर में तकलीफ होने के चलते उसे हमारे देश में किसी ने नहीं अपनाया, लेकिन अब उसकी तलाश खत्म हो गई है और उसे अमेरिका का एक अच्छा परिवार गोद लेने जा रहा है, जिसे लेकर बबली भी काफ़ी उत्सुक है। ये हमारे यहाँ पे कारा की एक साइट रहती है, कारा की साइट पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन में इस बालिका को MP में किसी ने पसंद नहीं किया, कारण इसके पैर थोड़ा सा तिरछा पड़ता है, तो किसी ने पसंद भी किया था, 2-3 लोग आए लेकिन वो रिजेक्ट करके चले गए। इसलिए फिर हमने इसको स्पेशल नीड में डाल दिया था कि इसका पैर तिरछा पड़ता है, तो स्पेशल नीड पे अमेरिका वालों ने इसको पसंद किया क्योंकि उनका भी वहाँ की